आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी साहिल दो दिन की पुलिस रिमांड पर था। पुलिस कोर्ट को अब तक की जांच के बारे में जानकारी देगी। दिल्ली शाहबाद मर्डर केस में दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। जिस चाकू से लड़की की हत्या की गई, पुलिस को चाकू की तलाश है। इस बीच दिल्ली पुलिस के रडार पर कई लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि साहिल के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। जिसका भी इस हत्याकांड में रोल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसका रोल आएगा, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों को एविडेंस मिलेगा, किसी को उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में तीसरे लड़के प्रवीण से भी पूछताछ होगी। लड़की की सहेली से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़की अपनी सहेली के साथ रहती थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस नाबालिग लड़की को चाकू से गोदने वाले साहिल का पीएटी यानी साइको एनालिसिस टेस्ट करवाने की तैयारी में है, ताकि उसके दिमाग की हालत और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता लगाया जा सके। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का भी यही टेस्ट करवाया गया था। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि आफताब की तरह दिल्ली पुलिस लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल का पीएटी यानी साइको एनालिसिस टेस्ट करवाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट के जरिए साहिल की दिमागी हालत, उसके रहन सहन और उसकी पसंद नापसंद का लेखा जोखा जुटाया जाएगा। इसके अलावा साहिल के परिवार और उसके आसपास के दोस्तों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ये टेस्ट करीब 3 घंटे चलता है, जिसमें 4 से 5 मनोचिकित्सक शामिल होते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि जिस वक्त साहिल ने लड़की की हत्या की उस दौरान उसकी मानसिक हालत कैसी थी। दिल्ली मर्डर केस में एक और सीसीटीवी सामने आया। हत्या से पहले के इस सीसीटीवी वीडियो में लड़की अकेले वारदात वाली जगह की तरफ जाती दिखाई दी। ये वीडियो 28 मई की रात 8:42 का है और उसके कुछ ही मिनटों के बाद ही साहिल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। हत्या से पहले लड़की का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़की सफेद रंग की टी शर्ट पहने तेजी से वारदात वाली जगह की तरफ जाती नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे वहां पर पहुंचने की जल्दी हो, क्योंकि उसने दौड़ते हुए पहले सड़क को पार किया और फिर तेज कदमों से घटना वाली जगह की तरफ बढ़ गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि साहिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो पहले से ही घटना वाली जगह पर लड़की का इंतजार कर रहा था। इसी वजह से वो लड़की 28 मई की रात 8:42 पर उससे मिलने के लिए तेजी से जाती नजर आई। पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल चाकू की तलाश में शाहबाद देरी इलाके में साहिल के दोस्त के घर पर छापा मारा। 28 मई को लड़की की हत्या के बाद से ही दिल्ली पुलिस चाकू की तलाश में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वारदात में इस्तेमाल चाकू पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने साहिल की निशानदेही पर शाहबाद देरी इलाके में रहने वाले उसके दोस्त वीरू के घर पर चाकू की तलाश में छापा मारा। जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी यहाँ पर पूरा तलाशी किया गया था, इस घर को ये पूरा यहाँ पर खंगाला गया है। हालांकि छापेमारी के बाद भी पुलिस को चाकू नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए वीरू को अपने साथ ले गई। किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, जो जिसका रोल आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हमारा कोशिश है। इसी तरह दिल्ली पुलिस ने साहिल के कुछ और दोस्तों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, ताकि हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुलिस